चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी 1991 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक थिन रॉड है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक थिन रॉड है जिसका लेंथ एफ बाई थ्री है, प्लेस किया गया है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, कौन से मिरर के पास भाई? तो फोकल कॉनकेव मिरर में, है ना, कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है जिसका फोकल लेंथ एफ है और ऑब्जेक्ट की लेंथ एफ बाई थ्री है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट छोटा नहीं है। अगर हम फोकल लेंथ को स्मॉल नहीं माने तो ऑब्जेक्ट का लेंथ भी बहुत बहुत कम नहीं है, स्मॉल नहीं है। और लिखा हुआ है, गौर से देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड जस्ट टचेस द रॉड। और इसका जो इमेज है वो क्या है, रियल है और जस्ट टचेस द रॉड। इसको गौर से सोचिएगा क्या कह रहा है, जस्ट टच कर रहा है। तो जो इमेज है वो टच करेगा, इसका मतलब एक पार्ट जो है ऑब्जेक्ट का वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास है। तो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ये मान लो पोल है और यहां से ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ही ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक इंड, दूसरा इंड यहीं पर कहीं पर है और इसका लेंथ है एफ बाई थ्री। कितना है भाई? एफ बाई थ्री है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट का एक इंड ये है, दूसरा इंड सी के पास है। बोला कि इसका इमेज जस्ट टच कर रहा है, तो जस्ट टच करेगा तो मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जस्ट टच कर रहा है, रियल भी है एंड इलोंगेटेड भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस रीजन में अगर ऑब्जेक्ट, मान लो इसका फोकल लेंथ हमने यहां रख दिया, इस रीजन में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो ऑब्जेक्ट इलोंगेटेड हो रहा है। इसका मतलब इसी रीजन में ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में ही, फोकल पॉइंट के बीच में ही कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका इमेज जस्ट यहाँ पे टच कर रहा है, इलोंगेटेड है, तो कुछ इस तरह से इन्वर्टेड होगा और इलोंगेटेड है। दिस इमेज इट इज कॉल्ड इमेज, ये जो इमेज है इलोंगेटेड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पहला इंड यहाँ पे, दूसरा इंड यहाँ पर, है ना, और इमेज का पहला इंड यहाँ पर और दूसरा इंड यहाँ पर, ये इमेज है, ओके। ये इमेज जो है कैसा है, इन्वर्टेड है, इलोंगेटेड है। ये छोटा सा या सॉरी एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है जिसका लेंथ एफ बाई थ्री है और इसका फोकल लेंथ क्या है, एफ है। सवाल ये है कि इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, इसका क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो आपको मैग्निफिकेशन पूछ रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाय यू टू माइनस यू वन, ये पूछ रहा है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, आईआईटी का क्वेश्चन है, उस जमाने का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना इजी भी नहीं है, इजी है लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि फॉर्मूला बैठाया आंसर पाया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इमेज है, तो इमेज का पहला दूसरा इंड, सॉरी इमेज का पहला इंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ही है क्योंकि ऑब्जेक्ट का दूसरा इंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास है और इस जगह पे कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इसका इमेज वहीं बनता है और इन्वर्टेड रहता है, ओके। तो और एक बात, ये जितने हाइट का है इसका मैग्निफिकेशन भी इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगी, ओके। तो कुछ इस तरह का इमेज आ रहा है, कुछ इस तरह का इमेज आएगा, इलोंगेटेड आएगा, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है उतने ही मैग्निफिक, उतने ही हाइट का बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है कॉनकेव मिरर में, ओके। इतनी बात समझ में आई। तो हमें फाइंड करना है वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई यू टू माइनस यू वन, वी टू का लेंथ और वी वन का लेंथ, ये हमें फाइंड करना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ऑब्जेक्ट का पहला इंड ये है और दूसरा इंड ये है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का दूसरा इंड यहाँ पर है तो इस पोजीशन को पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है, इस पोजीशन को हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यू वन, यू वन मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड यू वन। यू टू क्या है? दूसरा इंड, दूसरा इंड जो है वो क्या है, यू टू है ना, ये दूसरा इंड है यू टू, ठीक है। इस यू टू के कॉरेस्पॉन्डिंग, इस यू टू के कॉरेस्पॉन्डिंग वी टू, वी टू का लेंथ भी इतना ही आ रहा है जितना हमने, क्योंकि यू टू अगर यहां पर है तो वी टू भी क्या होगा, यहीं पे है, इतना ही लेंथ का है। चलिए अब यू वन यहां पर है और वी वन कहां पे है, इतने दूरी पर
वी वन। ओके, तो हमें यही सब चीज फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट के बारे में सोचेंगे और मिरर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट सी के बारे में, सी के बारे में यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, U2 and V2। फॉर्मूला क्या होगा भाई, U2 प्लस क्या होगा, V2 एंड फोकल लेंथ। कौन के मिरर का फोकल लेंथ हम क्या मान लेते हैं, माइनस F, है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको F फोकल लेंथ, अगर कौन के मिरर ना तो माइनस F लिख दिया हमने, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर U2 V2 क्या है, सेम है। उस हिसाब से U2 एंड V2 दैट इज इक्वल टू -2F, इतना आया। अब V1 और U1 में रिलेट करना है, तो U1 है कितना भाई, तो U1 है कितना, तो यहां से यहां तक लेंथ हमारा कितना आ रहा है 2F, यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितना आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से लेंथ कितना आ रहा है 2F, 2F में से घटाएंगे F/3 तो कितना आ रहा है आंसर, ये कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 2F - F/3, मतलब आया ये 5F/3। ये U1 का वैल्यू आ रहा है, दैट इज कॉल्ड U1। U1 का वैल्यू अगर माइनस साइन में लेंगे तो विद साइन हम लेते हैं तो -5F/3 आ रहा है, इतना लेंथ हमारे पास आ गया। U1 पता चल गया तो V1 भी हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला बैठाएंगे V1 का U1 से, है ना, लिखेंगे 1/U1 प्लस 1/V1 1/F माइनस फोकल लेंथ लिखा, हमारे पास क्या है U1 है तो V1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। V1 कितना आएगा, ये पार्ट इधर चला आया तो ये आ गया 3/5F। ओके, -1/F, तो V1 आया कितना, एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आएगा 5F, तो कितना आया 3 माइनस कितना आएगा 5। ओके, 3 - 5 मतलब दैट इज इक्वल टू -2/5F, ये भी माइनस में आ रहा है। चलिए V1 भी हमने फाइंड कर लिया, तो V1 कितना आया, V1 इज इक्वल टू -5F/2। V1 आया हमारे पास, है ना, ये V1 निकल गया। ओके, ये इमेज का सेकेंड पार्ट है ना, तो इसको हम लोग 1 समझ लेंगे, है ना, 1 समझ लेते हैं। दूसरा एंड यहां पर है, ऑब्जेक्ट और इमेज का दूसरा एंड यहां पे मान लेंगे, है ना, दोनों एंड यहां पे मान लेंगे। तो V1 हमने निकाला इतना है, तो V1 का लेंथ, और ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली लेंथ है, ये एक्चुअली है क्या लेंथ, तो लेंथ का हम लोग यूज करना है। तो V1 हमारा इतना आया, ओके, U2 हमारे पास इतना आ रहा है, U1 इतना आएगा मोड, है ना, और सारा कुछ तो पता चल गया। तो अब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आराम से फाइंड कर सकते हैं, कितना आ रहा माइनस, V2 का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 2F, ठीक है जी, तो कितना आएगा 2F लिखेंगे, 2F लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस V1 का मैग्नीट्यूड कितना है 5F/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, है ना। देखो यहां से हमने V1 फाइंड किया, ये कितना है V1 यहां से लेकर, है ना, यहां इसमें से इतने में से हमने क्या फाइंड करना है V1, है ना, ये V2 - V1, तो V1 बड़ा है, V2 क्या है छोटा है, तो यहां पे क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देते हैं। ओके, चलिए ये हमने निकाल दिया। फिर नीचे वाला पार्ट U2 का मैग्नीट्यूड कितना है, U2 है कितना भाई, तो U2 है 2F, यहां लिखिए 2F माइनस U1 कितना है, तो 5F/3, यहां पे इसको लिख दीजिए, कहानी खत्म। ये माइनस साइन में लिखिए यहां पर, और माइनस ये कितना 2.5, तो ये कितना आएगा F/2।
यहाँ पे आएगा कितना एफ बाई थ्री, तो आ रहा है आंसर कितना एक्चुअली 3/2। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है, इनलार्ज तो है ही, मैग्निफिकेशन सॉरी निगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि इमेज जो है वो रियल है, इन्वर्टेड है। ये क्या है, रियल तो है इन्वर्टेड है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है, इट इज इन्वर्टेड। ओके, ये इन्वर्टेड है इसलिए माइनस साइन आ रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन बाय मिरर, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन बाय मिरर, ये सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन है क्या? तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय 2D ऑब्जेक्ट। अगर कोई 2D ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक मिरर इसको कितना मैग्निफाई करेगा? अगर हम बीच में कहीं मिरर रख देते हैं, कॉनकेव मिरर हो या कोई भी दूसरा मिरर हो, ये कितना मैग्निफाई करेगा ऑब्जेक्ट को, ये चीज हमें समझना है। तो इस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को मैग्निफाई करके कितना बताएगा, कितना मैग्निफिकेशन होगा, दैट मैग्निफिकेशन, इस तरह का मैग्निफिकेशन को हम सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मींस इसका डिफिनेशन है एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है इमेज, ये क्या है ऑब्जेक्ट, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसका एरिया डिवाइड बाय इसका एरिया, ये सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन कहलाएगा, ये डिफिनेशन है। तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है। मान लो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन देखते हैं, एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ एम एक्स, एरिया ऑफ इमेज कितना लेंथ और ये कितना है ब्रेथ या हाइट, जो कुछ मान लो एम एक्स इंटू एम वाई, एम स्क्वायर आ जाए, एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, जानते ही है कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो सुपरफिशियल हमको मैग्निफिकेशन फाइंड करना हो, तो मान लो x इज इक्वल टू 2 मीटर एंड y इज इक्वल टू 3 मीटर, ओके, तो मुझे बताओ सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन कितनी होगी, व्हाट विल द सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। तो इस इंफॉर्मेशन से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इस तरह से हम सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर फाइंड कर सकते हैं कि मान लो कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है ये 2 गुना बड़ा हो जा रहा है। ये मैं अगर बोलूं कि ऑब्जेक्ट से 2 गुना 2 times इमेज क्या है बड़ा है, 2 times, अगर मैं 2 times बोल दूं या 3 times बोल दूं या 4 times बोल दूं, तो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो 2 times की बात अगर हमने किया तो ये भी 2 times हो जाएगा, तो ये भी 2 times हो जाएगा, लेंथ भी 2 times और ब्रेथ भी 2 times दोनों, ठीक है। तो यहां पे सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन 2 times की बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 times की बात करेंगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 times लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, एटसेट्रा। तो इसको हम लिखते हैं 2 2 जा 4, ये कितना हो 9 और ये कितना हो जाएगा 16 एटसेट्रा, ये सब चीजें हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि अगर लेंथ इसका 2 गुना बड़ा हो रहा है तो एरिया उसका 4 गुना बड़ा हो जाएगा, ब्रेथ भी अगर 3 गुना बड़ा हो रहा है तो उसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना गुना बड़ा हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 गुना बड़ा हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि M1 और M2 हो जाएगा, क्योंकि एक मिरर जितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा तो 2 times कर सकता है या 3 times कर सकता है, 4 times कर सकता हो, अनइक्वल नहीं करेगा, इक्वल मैग्निफिकेशन करेगा लेंथ एंड ब्रेथ का। तो हम इस तरह से लिखो 4, 9, 6 तरह से हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलते हैं ओवरऑल मैग्निफिकेशन। ये ओवरऑल मैग्निफिकेशन मोर देन 1 component के लिए, जब एक मिरर नहीं होगा, बहुत सारे मिरर्स होंगे, बहुत सारे ऑप्टिकल कंपोनेंट्स होंगे जो ऑब्जेक्ट को मैग्निफाई करे या डिमिनिश करे, बहुत सारे मैग्निफिकेशन आएंगे उसके लिए है, फॉर मोर देन 1 component, एक कंपोनेंट के लिए नहीं है। एक कंपोनेंट के लिए तो यही डिफिनेशन काफी था, एक कंपोनेंट के लिए ओवरऑल मैग्निफिकेशन इतना ही काफी था, लेकिन बहुत सारे कंपोनेंट अगर हम डाल दिए तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, दैट विल बी m1 into m2, m2 into m3, इस तरह से लिखते चले जाएंगे।
मैग्निफिकेशन, पहला कंपोनेंट कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है M1, दूसरा कंपोनेंट कितना कर रहा है M2, तीसरा कितना कर रहा है M3, सब मल्टीप्लाई होते हुए चले जाएंगे। ओके, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या होगा इसको समझते हैं। I1 by O into I2 by I1 into I3 by I2 like that हम सोचते चले जाएंगे। क्यों ऐसा हुआ? तो पहला कंपोनेंट इमेज फॉर्मेशन इतना किया, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ओरिजिनल फर्स्ट ऑब्जेक्ट into सेकेंड कंपोनेंट। अब क्या कर रहा है? एक इमेज बनाएगा, दिस दैट इज कॉल्ड I2, एंड ऑब्जेक्ट क्या है? I1 I2 into I1 into I3 by I2, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो ये आ गया हमारा क्या, M1, ये आएगा M2, ये आएगा M3, ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट चले जाएंगे। M1 into M2 into M3 बहुत सारे कंपोनेंट चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ओके, तो ये हमारा कहलाता है मैग्निफिकेशन, ओवरऑल मैग्निफिकेशन। जब एक से ज्यादा ऑप्टिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व रहेंगे तब एक से ज्यादा मिरर्स हो जाएंगे, कॉनकेव भी हो कॉन्वेक्स भी हो, है ना, तब हम लोग सोचेंगे। तो मान लो कि पहले कंपोनेंट ने ऑब्जेक्ट में मैग्निफिकेशन 2 times आया, ठीक है, दूसरे ने क्या किया, 4 times किया, और तीसरे ने 1/16 times डिमिनिश कर दिया, तो बताओ कि मैग्निफिकेशन कितनी होगी। तीन ही कंपोनेंट हम अगर लेंगे तो कितना होगा, ये होगा 8, और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिमिनिश्ड हो जा रहा है। दूसरा केस समझो, अगर M1 मैंने 4 दे दिया, M2 अगर हमने 2 दे दिया, और M3 हमने 3 दे दिया, तो आंसर कितना होगा, ये कितना, 24 times जो है क्या होगा, वो पूरे के पूरे ऑप्टिकल कंपोनेंट, पूरा ऑप्टिकल कंपोनेंट, एक से ज्यादा ऑप्टिकल कंपोनेंट होंगे, वो ऑब्जेक्ट को 24 times बड़ा करके दिखाएगा। इस तरह सब समझ सकते हैं। मान लो फर्स्ट ने M1 मैग्निफाई किया, सेकंड ने 2 किया, थर्ड ने 3 किया, फोर्थ ने 4 किया, ओवरऑल चारों कंपोनेंट कितना प्रोड्यूस किया, ये भी 24 कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। इसमें ये कहने का मतलब ये नहीं है कि सब के सब ग्रेटर देन 1 ही होंगे, लेस देन 1 भी होंगे। लेस देन 1 में आप देखिए कि मान लो पहला ने 1/2 किया, दूसरे ने 1/3 किया, तीसरे ने क्या किया 1/4 किया, इसने क्या किया 1/5 किया, तो आंसर कितना आएगा, तो 4 के बाद 24 बचे कितना होता है, उतना हम लोग लिख देंगे, है ना, ये हम लोग लिख सकते हैं। 24 × 5 कितना होता है, 24 × 5 कितना होगा, 0 120, है ना, 120, 1/20, 1/20 times diminished हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा ऑप्टिकल कंपोनेंट 1/120 times इसको diminished कर रहा है, छोटा कर रहा है। ओके, ये कहने का मतलब है ओवरऑल मैग्निफिकेशन के बारे में। मैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन में बता दिया और ओवरऑल मैग्निफिकेशन मैंने बता दिया। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला। ओके, न्यूटन्स का फॉर्मूला है मिरर में कहां से आ गया, तो उन्होंने दिया था इसलिए आगे, है ना, पढ़ेंगे। इंस्टीड ऑफ पोल, अगर हमने जितने सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो कहां से मेजर करते हैं, पोल से डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल आइदर इन मिरर और इन लेंसेस, जितने सारे लेंसेस हैं मिरर हैं सब में डिस्टेंस हम पोल से ही मेजर करते हैं। लेकिन अगर हमने पोल से मेजरमेंट नहीं किया लेंथ का, अगर हमने सारे डिस्टेंसेस को फोकस से किया, प्रिंसिपल फोकस से किया, तो क्या ब्यूटीफुल रिलेशन आता है, ये ब्यूटीफुल रिलेशन आता है x1 × x2 = f2। जबकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस फोकस से, ठीक है, फोकस से कितना है, x1 और x2, ठीक है। इंस्टीड ऑफ पोल इफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज मेजर्ड फ्रॉम फोकस, फोकस से अगर मेजर किया जा रहा है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, x1 माना हमने, है ना, और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या माना, x2, कहां से, फोकस से, तब u क्या हो जाएगा, f+x1, और v क्या होगा, f+x2। तो ये ब्यूटीफुल रिलेशन आ रहा है। तो ये मिरर का फॉर्मूला 1/u + 1/v = 1/f, ये फॉर्मूला कुछ ब्यूटीफुल रिलेशन दे रहा है। इस ब्यूटीफुल रिलेशन को, इस ब्यूटीफुल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला कहते हैं। इसका यूज आप लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसे ही दिया हुआ, वो तो काफी जीनियस थे, है ना, तो उनका दिया हुआ फॉर्मूले को आप इस्तेमाल भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। देखो मैं कैसे आपको गाइड कर रहा हूं, देखो
सिर्फ इसमें अगर मैं जनरली मैं आपसे ये पूछूं कि मान लो कोई मिरर है, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर। कितना दिया हुआ भाई? उसका फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना? 10 मीटर, है ना। अगर ऑब्जेक्ट का x1 दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है, तो x2 कितना होगा? इमेज का पोजीशन क्या होगा? इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं ये x1 एंड x2 जो है फ्रॉम होल नहीं है, ये कहां से है? फोकस से, ठीक है। तो उन्होंने मेजरमेंट कहां से किया था? उन्होंने मेजरमेंट फोकस से किया था, इसलिए फॉर्मूला आया है ये x1 एंड x2 जो है कहां से? फोकस से है। तो रिलेशन क्या आया, x2 का वैल्यू कितनी आएगी वो देखो, x2 विल बी इक्वल टू 100 f2 100 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। 20 मीटर आएगा पोल से, ठीक है। कुछ डायग्राम्स को देख के भी आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा क्या है, फोकल पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकल पॉइंट है, ये कॉनकेव मिरर है, आपको दिख रहा है, ओके। फोकस से डिस्टेंसेस मेजरमेंट किए जा रहे हैं। मान लो किसी कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक डिस्टेंस जो मेजरमेंट किया गया है 20 मीटर, इसका मतलब फोकल लेंथ हमें पता चल गया 10 मीटर, इसका फोकल लेंथ कितना है 10 मीटर। चलिए इस फोकस से अगर मैं एक डिस्टेंस 20 बता दूं, या एक डिस्टेंस मैंने यहां से, फोकल लेंथ कितना है भाई 10 मीटर, तो अगर मैं यहां से एक डिस्टेंस को 4 मीटर बता दूं, मान लो इमेज यहां से कितना दूरी पे, मान लो यहां पर इमेज है किसी पॉइंट पे, जाए इन्वर्टेड हो या क्या हो, इस जगह से इन्वर्टेड इमेज हो या इरेक्ट इमेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे मान लो इमेज है और इस पॉइंट से 4 मीटर के दूरी पे इमेज बना हुआ है, कहां से? तो प्रिंसिपल फोकस से, प्रिंसिपल फोकल पॉइंट से 4 मीटर की दूरी पे इमेज खड़ा है, तो इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट कहां पर खड़ा है, कितने दूरी पे खड़ा है, तो ये हमने रे डायग्राम बता दिया आपको। इससे आप ऑब्जेक्ट का लोकेशन भी फाइंड कर सकते हो। सीधा सा आपको मिरर्स का फॉर्मूला, सॉरी न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना है और x1 × x2 यूज करना है। x1 हमें फाइंड करना है, x2 दिया हुआ है कहां से, यहां से यहां तक दिया हुआ है 4, और फोकल लेंथ इसका देख रहे हो सेंटर को 20 है, तो फोकल लेंथ कितना है 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 25 मीटर। मतलब इसकी दूरी यहां से कितना आ रहा है 25 मीटर के दूरी पर होगा, यहां पे होगा, मान लो ऑब्जेक्ट तो खड़ा ही रहता है, तो यहां पे कितना होगा 25 मीटर दूरी पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को देख के आपसे ये भी पूछ सकता है कि पोल से डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप यहां से ये देख रहे हो कि ये पता चला मुझे कि ये 10 मीटर है, ये कितना है भाई, ये 10 मीटर हो गया, तो ये भी 10 मीटर होगा, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर और ये 25 मीटर, तो ये बचा कितना, पोल से कितना डिस्टेंस दूरी पर है, तो ये कितना बचा 10 मीटर, मतलब 35 मीटर के दूरी पे खड़ा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द पोल, पोल से, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये जो बताया गया है काफी इजी में इसको समझ सकते हैं। मान के चलो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन बताना कि एक मैंने मिरर बताया, एक मिरर है कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो कुछ भी है, उस मिरर में ऑब्जेक्ट का पोजीशन x1 दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है, और इमेज भी दिया हुआ है 5 मीटर, तो बताओ उस मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, उस मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इस क्वेश्चन का आंसर दो। और ये x1 एंड x2 फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, कहां से हमने मेजरमेंट किया है, फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से हमने इसको मेजरमेंट किया है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, तो न्यूटन्स का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें कुछ भी इक्वेशंस का यूज नहीं करना है, क्वेश्चन को बदल सकता है, आईआईटी में क्वेश्चन को बदल देते हैं,
ठीक है, मॉडिफाई करते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है, सिर्फ क्वेश्चन मॉडिफाइड रहते हैं। उसके लिए हमें क्या होनी चाहिए, तैयारी करनी पड़ती है। ये 5 मीटर है, यही 5 मीटर है, तो इक्वेशन यूज करेंगे, 5 × 5 दैट इज इक्वल टू एफ रूट अंडर, ये कितना आ रहा है, ±5। ±5 से आपको गेस करना होगा, अगर -5 आ रहा है इसका मतलब समझना वो क्या है, कॉनकेव मिरर है, और प्लस में अगर आ जा रहा है तो वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। इस बात को भी आपको समझना होगा। तो एक बात होता है, कॉनकेव मिरर में इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट जितना होगा उतना ही इमेज भी बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की कहानी अगर हम समझेंगे तो उस कहानी में क्लियर कट आ जाएगा कि क्या यह कहानी इस तरह से सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो उस कहानी में हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन एक बात तो क्लियर हो जा रहा है ना कि f इज इक्वल टू -5, इस आंसर को आप गलत नहीं कर सकते, -5 को आप गलत नहीं कर सकते। +5 होगा या नहीं होगा वो कब होगा, जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर यूज करते हैं 1/u, ठीक है, तो ये फोकल लेंथ हमारा इजी वे में फाइंड हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये हम यूज करेंगे 1/u प्लस 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f। और जनरली आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर में अगर इमेज ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ये निगेटिव होता है, ओके, ये क्या होता है निगेटिव, इसको अगर इस साइड ले आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव आ जा रहा है, मतलब 1/f माइनस 1/u, तो ये इस तरह से पॉजिटिव आ रहा है। तो इस कहानी में u इज इक्वल टू f के बराबर कर देंगे तो क्या ये काम बनेगा, ये आप लोग खुद देखो समझो कि u इज इक्वल टू f यहां पे हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखो ये नहीं संभव है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हो गया और इस क्वांटिटी को भी अगर आपने पॉजिटिव कर दिया, इक्वल कर देंगे, ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये सब इक्वल फिर कैसे होंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f कैसे हो सकता है। मान लो u इज इक्वल टू -2 मीटर, ठीक है, और v इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है, एंड फोकल लेंथ कितना होगा ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, फोकल लेंथ कितना होगा ये तो हम फाइंड कर लेंगे, बाद की चीजें हैं। लेकिन सबसे पहला चीज ये है कि क्या इस इक्वेशन में ये पुट करने से क्या मेरा काम बन जाएगा। देखो यहाँ पे 1/2 लिखा, 1/focal लिखा है ना, एंड 1/2 लिखा, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या है, 0 है, ये तो फिर कॉन्वेक्स मिरर भी नहीं है, प्लेन मिरर के बारे में कहा है ना, तो प्लेन मिरर में इस तरह से हो सकता है, जब फोकल लेंथ क्या होगा इनफाइनाइट हो जाएगा, तब उस केस में हो सकता है कॉन्वेक्स मिरर में, नहीं होगा तो जनरली जो आएगा माइनस में आ जाएगा।